हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी गंजी होने की कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरा नाम मनीषा है और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे लिए कई सारे रिश्ते आ रहे हैं, फिर भी मेरी सगाई नहीं हो रही है। तभी मेरे मम्मी पापा को एक विचार आया कि जरा इसकी कुंडली हम पंडित जी को दिखा तो दे। तो अगले दिन उन्होंने पंडित जी को घर पर बुलाया और पंडित जी से कहा, यह मेरी बेटी की कुंडली है, आप जरा देख लो कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। इसकी शादी में कोई भी दोष आ रहा हो तो आप उसका उपाय बताओ। तभी पंडित जी ने कुंडली देख कर कहा कि इसकी कुंडली में दोष है। तो मेरे पापा बोले, कोई उपाय हो है दोष निवारण का? तो पंडित जी बोले कि इसका एक ही उपाय है, वरना इसकी शादी नहीं हो सकती है। तो पापा ने कहा, वह उपाय बताइए। तभी पंडित जी बोले, आपकी बेटी को अपना सिर मुंडवाना होगा और जो बाल होंगे वो तिरुपति बालाजी को जो भी मंदिर पास हो वहाँ चढ़ाने होगी, तभी इसका विवाह हो सकता है। पापा ने कहा, फिर इसकी शादी हो जाएगी? तो पंडित जी बोले, हाँ, ऐसा करने के बाद एक साल के अंदर आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। मैं अंदर अपने रूम से सब सुन रही थी। पंडित जी ने कहा, मुंडन कराना हो तो 3 दिन में ही कराना होगा, वरना मुंडन का योग चला जाएगा, फिर मुंडन कराओगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर पंडित जी चले गए और माँ मेरे रूम में आई और मुझे कहने लगी, बेटा एक ही उपाय है तेरी शादी के लिए, तुझे अपना सिर मुंडवाना ही होगा। मैंने कहा, मैं अपना सिर नहीं मुंडवाऊंगी, जब मैं गंजी हो जाऊंगी तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, वैसे भी मेरी शादी नहीं होगी। तभी पापा बाहर से बोले, मैंने नाई को फोन कर दिया है, कल वो घर पर आ जाएगा। और पापा ने कहा, जो तू नहीं मानी तो मैं सबके सामने तेरा मुंडन कराऊंगा बाहर जाके, फैसला तेरा है, घर के अंदर मुंडन करना है या फिर घर के बाहर जाकर। अगली सुबह नाई हमारे घर पर आ गया। पापा ने मुझे बुलाया, मनीषा जरा बाहर तो आओ। मैं बाहर जाना नहीं चाहती थी, पर क्या करती, पापा से डरती थी इसलिए बाहर जाना पड़ा। पापा ने कहा, इस चेयर पर आकर बैठ जाओ। मैं वहाँ पर बैठ गई। फिर नाई मेरे पास आया, नाई मेरे सारे बाल खोल दिए, मुझे अपना मुंडन नहीं कराना था, इसलिए मैंने अपने बालों में ज़्यादा तेल डाल दिया था। तो नाई बोला, इतना तेल वाले बाल में मैं मुंडन कैसे करूं? तो पापा बोले, कोई बात नहीं, तुम पहले इसके सारे बाल काट दो, फिर इसका मुंडन करना। फिर नाई ने मेरे सारे बाल अपने हिसाब से काटने लगा और मेरे बालों को तहस महस करके छोटा छोटा कर दिया। फिर उसने मेरे सारे सर में जीरो मशीन लगाया। उसके बाद उसने पापा से कहा, ठीक है ना? तो पापा बोले, नहीं, अभी उस्तरा चलाना। फिर उसने अपने बैग से उस्तरा निकाला और उसमें न्यू ब्लेड लगाया। फिर क्या था, नाई ने उस्तरा चलाना शुरू कर दिया। अब तो जो थोड़े थोड़े बाल थे वह भी सब साफ होने लगे। करीब 10 मिनट में नाई ने मेरा पूरा सिर मुंड दिया था, मुझे गंजी कर दिया था। फिर नाई पापा से कहने लगा, देख लो जरा, फिर मैं जाऊँ, कुछ बाकी तो नहीं रह गया ना? पापा मेरे पास आए और मेरे टकले सर में अपने हाथ फेरने लगे और बोले, बेटा यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, इसमें तुम्हारी भलाई ही है, अपने हाथ फेर रहे थे। आप लोग जरा विचार करो कि आप
आपका सिर जबरदस्ती मुंड दिया हो और उसमें कोई अपना हाथ फेर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही मुझे लग रहा था। फिर पापा ने मम्मी से कहा, तुम भी देख लो जरा। तो मम्मी ने भी मेरे सिर में हाथ फेरने लगी और उसने नाई से कहा, ठीक है भाई आप जाओ। तो दोस्तों, शादी के नाम पर ऐसे मेरे घर वालों ने मेरा सिर मुंडवा दिया था। और ये थी मेरी गंजी होने की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरी चैनल में कई सारी हेयर सेव स्टोरी पहले से अपलोड है। आपने नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हो।